हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं लर्न इन हिंदी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसे ऐप लाया हूं जिससे आप अपने फ़ोन की नेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप का नाम है नेट मास्टर। यह ऐप पहले प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। देख सकते हैं मेरे फ़ोन का जो स्कोर है, यानी मेरे फ़ोन की स्पीड, इसमें 93 स्कोर है, यानी बहुत अच्छा नेट चल रहा है क्योंकि अभी मैंने इसे यूज किया। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है नेटवर्क बूस्ट, इसे आप नेटवर्क बूस्ट कर सकते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। दोस्तों, तो अभी सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक कर ली है और 88% निकली है, जो कि बहुत अच्छी सिग्नल की स्ट्रेंथ है। आप देखते हैं इसका रियल कमाल। देखिए 65% जैसे टू आइटम नीड टू ऑपरेशन। सबसे पहले यहाँ पे देख इनेबल सर्विस आता है बैकग्राउंड रनिंग ऐप। यही इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि बैकग्राउंड में जो रन हो रहे हैं ऐप, जिन्हें आपको पता भी नहीं है कि वो आपका डेटा यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं जी, अभी एक मिनट में इन्होंने इतना डेटा यूज किया है, तो सोच सकते हैं दिन भर में आपका कितना डेटा यूज करते होंगे। तो आपका डेटा भी खर्च कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ आप कॉमन बूट से इन्हें स्टॉप कर सकते हैं। आप इन्हें यूज भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपका डेटा ये यूज करते हैं। दोस्तों, और ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत निकल के आती है, यहाँ पे आपको देख इसे कट कर दीजिए इस सबको। अब यहाँ पे आपको एक डार्क सा दिख रहा होगा गोल, 0 KB। इसमें हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं तो बता रहा है 0 KB, 0.5 KB। दोस्तों, वैसे अगर आपके बैकग्राउंड में रनिंग ऐप होते हैं, वो डाटा यूज करते रहते हैं और आपको अच्छी सी भी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको है केवल प्ले स्टोर पे ही सारा डेटा देगा, ना कि और किसी ऐप पे। देख सकते हैं 30.5 KB डेटा पर सेकंड यूज कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए कोई भी एक ऐप ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं तो आपको उतना ही डेटा मिल रहा है जितना कि आपको ज़रूरत है, ना कि और भी ऐप्स में डेटा यूज हो। इससे आपको डेटा भी बचता है और स्पीड भी बहुत अच्छी दोस्तों मिलती है। चलिए मैं आपको कोई ऐप एक इंस्टॉल करके दिखा दें, जैसे मैं यही ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्सेप्ट, देख सकते हैं दोस्तों स्पीड इसकी बढ़ी है। ये केवल इसी में जो 88 KB/s इसमें ले रहा है डेटा, 1373, तो ये केवल इसी में डेटा इसे दे रहा है, ना कि और किसी ऐप में। तो इससे क्या, इससे बहुत अच्छी खासियत मिलती है कि आपका जो डेटा है वो एक ही जगह पे यूज होगा, जहाँ पे आप इसे यूज करना चाहते हैं, ना कि कहीं और पे। तो यह ऐप बहुत अच्छा है, देख सकते हैं केवल यहीं पे डेटा दे रहा है। दोस्तों, इससे आप जब आपकी 1 GB लिमिट एंड हो जाती है, फिर भी आप इसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप अच्छे तरीके चला सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप के बारे में मैंने बता ही दिया है कि ऐप नेट मास्टर इसका नाम है। आप इसे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड डाल